हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड। टेक आउट योर हिंदी बुक, कृतिका बुक, पार्ट फोर। ओपन योर बुक, पेज नंबर 22, पार्ट फोर, सच्चाई। इससे पहले हमने आप सबको बताया था ये सच्चाई, और इस कहानी को हमने पढ़ा था गोपाल कृष्ण गोखले के बचपन की एक घटना के बारे में, जिसमें क्या पढ़ा था कि गुरुजी ने सवाल देते हैं हल करने के लिए, और वो सवाल हल बच्चे हल घर से करके ले आते हैं। ओके, और इसमें क्या हुआ था ये हम सब ने आगे इस कहानी में हमने पढ़ा था, और हमने बोला था नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, तो आप वही एक्सरसाइज आज करते हैं। ओके, आइए, ये है आपका प्रश्न उत्तर। गृहकार देते हुए गुरुजी ने क्या कहा? गृहकार देते हुए गुरुजी ने कहा, बच्चों इन सवालों को तुम्हें स्वयं करना है। गृहकार यानी कि घर का काम, होमवर्क। नंबर था है, गोपाल ने सवाल हल करने में किसकी सहायता ली? आपने चैप्टर में रीड किया था तो बता सकते हैं, गोपाल ने सवाल हल करने में अपने मित्र की सहायता ली। गुरुजी ने गोपाल को पुरस्कार स्वरूप क्या दिया? बताइए, गुरुजी ने गोपाल को पुरस्कार स्वरूप कलम देखने दिया था, क्योंकि वो तो सवाल तो हल करने में अपने मित्र की सहायता ली थी, लेकिन वो सच बोला था, इस पे गुरुजी ने दिया था। गोपाल ने पुरस्कार लेने से क्यों इनकार कर दिया? गोपाल ने सवाल हल करने में अपने मित्र की सहायता ली थी, इसलिए उसने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। ये क्वेश्चन आंसर की हम PDF देंगे, जो आप अपने हिंदी की एक्सरसाइज नोटबुक में वर्क कम्प्लीट करेंगे। ओके, आपको जो बुक में फिल करना है वो हम आज करेंगे। रिक्त स्थान भरिए। नंबर का, गुरुजी कक्षा में डैश पढ़ा रहे थे क्या? गणित। क्या लिखेंगे यहाँ हम? गणित। खा, सभी बच्चे डैश को हल करने में जुट गए। कौन से सवाल? सवाल को हल करने में जुट गए। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25। गा, गुरुजी ने गोपाल की डैश जांची क्या? पुस्तिका। ओके, नंबर फोर, डैश गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे, किसको? कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित ये कौन से शब्द है? रूढ़ या यौगिक। ओके, तो सवाल दिया है रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के साथ हम खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कलम, कालामा। यौगिक शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक खंडों के मेल से बनते हैं तथा प्रत्येक खंड का अलग अलग अर्थ होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे गृहकार। ओके, योग रूढ़, जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, जैसे जल में उत्पन्न अर्थात कमल। यहाँ कलम लिखा है, ये आपका गलत है, इसलिए कमल होगा, जल में उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित ये कौन से शब्द है? रूढ़ या यौगिक। सवाल रूढ़ शब्द है, तो आप यहाँ लिखेंगे रूढ़। पुरस्कार स्वरूप, ये है आपका यौगिक शब्द, दो खंड में हुआ ना, सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, दो या दो से अधिक, सच रूढ़। गणित रूढ़, खाना रूढ़, गृहकार यौगिक। ओके, और ये समझिए वाली कि आधा च और चा, इससे बना बच्चा सच्चा कच्चा। इसी तरह ता है तो हम बनाइए आधा ता और ता है, तो हम बना देंगे एक पहला पत्ता, गुणवत्ता कुत्ता। ओके, फिर आधा ना और ता है तो लिखिए प्रांत, प्रशांत, देहांत। ओके, आधा सा और का, एस्क, व्यस्क, एक बना दीजिए स्कूल। ओके, दिया आधा का और या, क्या, चाणक, ये वाक। ओके, लिंग निर्धारित कीजिए, यानी कि लिंग निर्धारित कीजिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके, दिया हुआ है पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग, यही हमें लिखना है। यह
जैसे देखिए गुरु लिंग निर्धारित करना है, ओके। ये बताना है कि कौन सा शब्द, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग करते हैं, गुरु बताइए गुरु पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो गुरु पुल्लिंग है, हम यहाँ पुल्लिंग लिखेंगे। पुस्तिका स्त्रीलिंग है, माँ स्त्रीलिंग है, बेटा पुल्लिंग, बालक पुल्लिंग, सवाल पुल्लिंग, ओके। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26, ओके। देखिए रा के विभिन्न रूप के शब्द पाठ में से छाट कर लिखिए, तो रा के रूप दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपका रा, हम यहाँ लिखेंगे गुरु, ओके, और रूप लिखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया है दूसरा रा का रूप है, ये दिया हुआ है आपका, और नीचे दिया हुआ है ये रा की मात्रा से या ये वाली रा की मात्रा से, तो हम इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं, तो हमें पार्ट में से छाटना है, तो पार्ट में से हम छाटेंगे, हमारे पार्ट में आया था गर्भ, ओके, और ग्रहकार ये रा की मात्रा है, ऊपर जो रेट की मात्रा लगाते हैं, ओके। अब हम इससे बना लेंगे प्रशंसा और ये प्रसन्न, ओके, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ग्रहकार, तो हमको इसको शब्द में वाक्य का प्रयोग करना है, बच्चों यह आज का ग्रहकार है, ओके, क्या लिखेंगे, बच्चों यह आज का ग्रहकार है। होशियार, गोपाल बहुत होशियार था। माथा पच्ची, गोपाल ने बहुत माथा पच्ची की परंतु सवाल समझ में नहीं आया। पुरस्कार, गुरुजी ने सच बोलने के लिए पुरस्कार स्वरूप वह कलम गोपाल को दे दी, ओके, आप सब अपने बुक में से फिल करेंगे। पुरस्कार का क्या था, गुरुजी ने सच बोलने के लिए पुरस्कार स्वरूप वह कलम गोपाल को दे दी, ओके। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, आप सब बुक में फिल कर लेंगे। रिक्त स्थान भरिए, निम्न लिखिए ये कौन से शब्द है, रूढ़ या यौगिक शब्द लिखना है, पढ़िए समझिए व लिखिए, लिंग निर्धारित कीजिए। नेक्स्ट है रा के विभिन्न रूप के शब्द पाठ में से छाट कर लिखिए, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ओके, आप सब इसे वर्क कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 5, सर्दी आई, ओके, तब आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, ओके, थैंक यू।